राजधानी जयपुर में इन दिनों साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है साइबर थाने का, जहां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर एक पीड़ित युवक से 8,73,000 रुपये ठग लिए गए। दरअसल दौलतपुरा हरमाड़ा इलाके में रहने वाले पीड़ित रामलाल मीणा रेलवे विभाग में COS के पद पर कार्यरत हैं। पीड़ित ने अगस्त 2017 में कोटक महिंद्रा बैंक में 50,000 रुपये के हिसाब से 12,00,000 रुपये की पॉलिसी कराई थी। पीड़ित एक साल बाद अपनी 50,000 रुपये की रकम को ब्याज सहित निकलवाना चाहता था। इसके लिए सितंबर 2018 में जगदीश शर्मा, अविकेश और राकेश त्रिपाठी नाम के तीन शातिर बदमाशों ने कोटक महिंद्रा और RBI बैंक के मैनेजर बनकर फोन किए। आरोपी ने पॉलिसी के रुपए, ब्याज और बोनस समेत निकलवाने की एवज में अलग अलग तरह से करीब 8,73,000 रुपए अकाउंट में जमा करवा लिए। जब समय बीत गया और पॉलिसी के रुपए भी नहीं आए तो उसने तीनों को फोन किया, लेकिन आरोपियों का फोन बंद आया। इस पर पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। हरमाड़ा इलाके का एक रामलाल मीणा परिवारिक है। उसने 2017 में कोई हमारे थाने पे आया, उसने 2017 में कोई पॉलिसी करवाई थी कोटक महिंद्रा में। अब उससे वो 2018 में किसी का फ़ोन आया कि बैंक, वो मतलब कोटक महिंद्रा उससे पॉलिसी से कि हम उससे बोल रहे हैं और आप की जो पॉलिसी है वो पूरी हो गई है, तो आप इसका पैसा लेना है, चालू करना, इसको चालू रखना चाहते हो, इसको बंद करना चाहते हो, तो इस अलग अलग तरीके से इसकी में जो पॉलिसी है उसको रिलीज करने के लिए आपको पैसे डलवा लिए। और इसमें तीन बंदों ने पैसे डलवाए अपने खातों में, जो एक तो जगदीश है कि ओके सेक्शन है और एक राकेश त्रिपाठी नाम का बंदा था, और जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया और अनुसंधान।